आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी चतरा में लगातार पुलिस को सफलता पर सफलता मिलती जा रही है। वहीं चतरा में जिले में टीएसपीसी नक्सलियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 10 लाख के नामी जोनल कमांडर रघुवंश गंझू उर्फ चिरेतन व 1 लाख के नामी सब जोनल कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ पत्थर ने हथियार के साथ पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के सामने आज सरेंडर कर दिया है। समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में डीसी देवयांशु झा, एसपी ऋषभ झा, सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट पवन कुमार बासन व एसडीपीओ अविनाश कुमार के समक्ष दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर जोनल कमांडर रघुवंश ने .303 बोर के एक राइफल, मैगजीन व 8 mm का 200 राउंड जिंदा कारतूस व लक्ष्मण उर्फ पत्थर ने एक SLR 7.62 mm का 145 राउंड जिंदा कारतूस, 3 SLR मैगजीन वर्दी व एमिनेशन के साथ सरेंडर किया है। सरेंडर के बाद डीसी एसपी व एसडीपीओ ने दोनों नक्सलियों के परिजनों को इनामी राशि का चेक सौंपा। मौके पर डीसी देवयांशु झा, एसपी ऋषभ झा ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत करते हुए कहा, नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के लिए सरकार का द्वार खुला है। सरकार न सिर्फ उन्हें आत्मसमर्पण नीति का संपूर्ण लाभ देगी बल्कि उनके गांव घर के विकास की भी रूपरेखा तैयार कर उन्हें विकास की सौगात देगी। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने कहा, आज टीएसपीसी नक्सली संगठन का वजूद लगभग समाप्त हो चुका, संगठन में गिने चुने लोग ही बचे हैं। ऐसे में अब संगठन का झंडा ढूंढने के बजाय मुख्यधारा में शामिल होकर विकास में अपनी भूमिका निभाना ही एकमात्र विकल्प नक्सलियों के समक्ष बच गया है, ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताकर उन्हें कुछ अच्छी शिक्षा देकर समाज में जुड़कर नया काम करे। चतरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जो हमारे भक्ति हुए सखिल भाई है, उन धारा में आवे और हम आ गए। हम जीवन बचाने के ख्याल से, सुरक्षा के ख्याल से आ गए। हमारे पास तो उस टाइप से समस्या था या नहीं, तो हमारे पास उस टाइप के ज्ञान नहीं था कि हम जाकर के गलत जगह पर फंस गए और आज हम सही जगह पर आ चुके हैं। गलत नक्सली हथियार उठा लिए थे तो गलत नक्सली कर रहा। संदेश में देना चाहेंगे कि इसी राह में सभी के लोग आ जाए। संगठन की स्थिति डगमगा चुकी है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि अब संगठन कोई पार्टी साटी नहीं चलेगा, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार के मुख्य धारा में लौटे और जो भी हमारे जो भटके हुए साथी जो अभी हैं उन लोगों को चाहते हैं कि ये सरकार के नीति में सम्मिलित रहें। सर यहाँ हो रहा है क्या कि संगठन में कोई वैसा कचकर्ता नहीं बचा है, जो भी है गिने चुने लोग यहाँ 10 लोग बचे हुए हैं और लोग ही जो है से हम लोग भटक चुके थे और सरकार के हम नीति पर हम आ गए हैं। आज चतरा जिला में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लक्ष्मण गंजू और रघुवंश गंजू ने। कुंदा और लावालौंग प्रखंडों के हैं ये, और यहाँ पर पुलिस महकमे में एसपी साहब, कमांडेंट सीआरपीएफ और उनकी पूरी टीम के द्वारा चतरा जिले में चलाए जा रहे एंटी नक्सली अभियान के कारण भी, और साथ ही साथ जो बदलाव आई है मानसिकता में और जानकारी में, तो हमें हमारे लिए खुशी की बात है कि जो पूर्व नक्सली है वो आत्मसमर्पण की जो नीति है सरकार की उसके प्रति जागरूक भी हैं और लगातार जो सरेंडर्स हो रहे हैं उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये लोग मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में भी हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व में ऐसी गतिविधियों में लगे थे उन्हें हम मुख्यधारा में आमंत्रित भी करते हैं, और साथ ही साथ जो आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत उनके परिवार को जो देय लाभ है और उससे ज्यादा जो पुनर्वास हेतु उनके जो गांव हैं जहां पर विकास के अभाव में शायद उन्हें बंदूक उठाने की जरूरत पड़ी होगी, तो उन गांव के वृहद
विकास के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं और जहां से भी ऐसे आत्मसमर्पण के किस्से आते हैं निजी लाभ के अलावा हम उनके गांव में भी फोकस तरीके से विकास की योजनाओं को ले जाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो आज दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है इसमें एक रघुवंश गंजू है जो टीपीसी के जोनल कमांडर रैंक में है और रैंक में थे और इनके ऊपर सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की हुई थी। इसके अलावा लक्ष्मण गंजू उर्फ पत्थर ये भी टीपीसी में एरिया कमांडर के रैंक पर था, इसके विरुद्ध भी सरकार ने 1 लाख रुपए की इनामी राशि की घोषणा की गई थी। जो इनामी राशि सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध घोषित की हुई थी वो इनके परिवार वालों को दिया जाएगा और जो भी राशि है, इसके अलावा जो भी सहायता और जो भी इनको देय है और चाहे वो इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहे जमीन जिस तरह की भी सरकारी सहयोग की हम लोग इसमें जो भी देय है वो हम लोग जल्द करवाएंगे और वेपन्स भी इनके द्वारा दिया गया है, समर्पित किया गया है। इसमें से एक हमारे पास आया है, एक SLR सरेंडर किया गया है और एक 303 सरेंडर किया गया है। साथ ही साथ 7.62 mm का जो एम्यूनेशन होता है जो SLR में यूज किया जाता है इसके 145 राउंड हैं। SLR के 3 एक्स्ट्रा मैगजीन भी हैं और जो यूनिफॉर्म इनके द्वारा यूज किया जाता था वो भी है और जो एम्यूनेशन पाउच इनके द्वारा यूज किया जाता था तो वो भी है। इसके अलावा रघुवंश के द्वारा एक 303 राइफल भी दिया गया है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 200 राउंड उसमें है जो 303 में यूज किया। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का